जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लर्निंग ऐप के बारे में जानेंगे। इस ऐप की सहायता से आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं और यदि सीखे हुए हैं तो और अपना ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर में इस ऐप को खोजते हैं। जैसे ही हम प्ले स्टोर में प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम एक ऐप है जिसका नाम है ड्यूलिंगो, इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। आप देखेंगे कि इस ऐप को लगभग 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, मतलब लगभग इसको 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। साथ इसकी जो रेटिंग है वो भी 4.7 की रेटिंग है, यानी कि एक ऐप जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ये 14 MB का ऐप है और ये काफ़ी अच्छा ऐप है ये। तो जैसे ये डाउनलोड हो रहा है स्कैन कर रहा है ऐप को, ये ऐप जो है पूरी तरीके से सेफ़ है। अब हम इस ऐप को नीचे में ओपन दिया है वहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऐप जो है खुलने लगता है। अब ये जो ऐप जो है हमारे सामने खुल गया है। अब आप देखेंगे कि इसमें नीचे में दो ऑप्शन दिए गए हैं, गेट स्टार्टेड और दूसरा ऑप्शन है आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। गेट स्टार्टेड मतलब यदि आपने इस पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, प्रोफाइल नहीं बनाई है अपनी, तो आप गेट स्टार्टेड में टच करेंगे। और यदि आपने इसमें अकाउंट बना चुके हैं पहले से तो आप नीचे वाले में आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट में टच करेंगे। अब चूंकि मैंने इसमें अकाउंट नहीं बनाया है इसलिए मैं इस पे गेट स्टार्टेड पे टच कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पर टच करता हूँ मेरे सामने एक नया पेज खुल जाता है। आई वॉन्ट टू लर्न मतलब मैं सीखना चाहता हूँ, अंग्रेजी सीखें हिंदी से, यानी मैं हिंदी से अंग्रेजी सीख सकता हूँ। इसके अलावा इसमें बहुत से और भी हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, जैसे है स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जैपनीज़ है, चाइनीज़ है, रशियन है, कोरियन है, पोर्टुगीज़ है, अरेबिक है, डच है, स्वीडिश है ना। इस तरीके से बहुत से इसमें आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अब चूँकि हमको अंग्रेजी सीखना है तो इसलिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पर टच कर देंगे। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर टच करते हैं देखिए हमारे सामने ये कुछ लिख के आता है, दिस विल चेंज द ऐप्स इंटरफेस टू हिंदी, यू शुड ओनली चूज़ दिस ऑप्शन इफ़ यू ऑलरेडी स्पीक हिंदी। मतलब यदि आप हिंदी जानते हैं तभी आप इस ऑप्शन का चुनाव करें, तो आप सभी हिंदी जानते हैं इसलिए आप इसमें ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं ये लोड हो रहा है और देखिए एक नया पेज खुल जाता है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शन दी, जैसे आप पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं या परिवार और दोस्तों के बीच आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, संस्कृति है, यात्रा है, दिमाग का उपयोग है या अन्य है। अब मैं इसमें चलिए एक ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने पढ़ाई का ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अब जैसे ही मैं पढ़ाई का ऑप्शन चूज़ कर दिया मेरे सामने एक नया पेज खुल गया है कि एक लक्ष्य चुने कि आप जो है रोज़ कितना पढ़ना चाहते हैं। जैसे 4 इसमें ऑप्शन दिए गए, आसान 5 मिनट रोज़, साधारण 10 मिनट रोज़, गंभीर 15 मिनट रोज़ और ज़बरदस्त जो है वो 20 मिनट रोज़ है। तो चलिए मैं इसमें साधारण सा 10 मिनट रोज़ वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। मैं इस पर प्रेस करता हूँ और आगे बढ़े में दबाता हूँ। अब फिर एक मेरे सामने नया पेज खुल गया है कि आप पहले बार अंग्रेज़ी सीख रहे हैं या फिर पहले से थोड़ी अंग्रेज़ी जानते हैं। तो इसमें आप दोनों ऑप्शन में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं ऊपर वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ क्योंकि मैं पहले बार अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पर चूज़ प्रेस करता हूँ अब मेरे सामने एक नया पेज खुल गया है जिसमें अब पढ़ाई जो है वो चालू हो रही है। जैसे गाड़ी का अनुवाद चुने यानी कि गाड़ी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जैसे हाउस है, वाटर है, टी है, कार है। सभी जानते हैं कि गाड़ी को हम अंग्रेजी में कार बोलते हैं। जैसे ही हम इस पर कार में प्रेस करेंगे देखिए ये स्पीक भी कर रहा है कि हाँ ये कार है, इस टाइप से प्रोनाउंस भी कर रहा है ये। अब हम इसको नीचे में दिया है चेक, उससे चेक करते हैं तो इसमें देखिए बताता है कि अद्भुत यानी कि आपने जो है वो सही चुना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, घर का अनुवाद चुने। अब मान लीजिए किसी को घर का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं पता है तो, और यदि उसने टी को चुन लिया है, टी देखिए उच्चारण करके बताता है टी करके। अब हम चेक करते हैं कि घर का अंग्रेजी में हम टी कहते हैं क्या, चेक करते हैं, नहीं गलत उत्तर है। इसका सही उत्तर जो है वो होता है हाउस। फिर हम आगे बढ़ेंगे दबाएंगे, अब गाड़ी का अनुवाद चुने बोलता है तो गाड़ी का हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। चेक करते हैं, बिल्कुल सही सही जवाब है इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, योर हाउस इज़ बिग। अब इसमें एक वाक्य दे दिया है, योर हाउस इज़ बिग, ठीक है। अब हम इसको नीचे में कुछ ऑप्शन दिए हैं देखिए, बड़ा, गाड़ी, छोटी, घर, मेरा है, तुम्हारा, बड़ा,
इस तरीके का ऑप्शन दिया है। अब इसमें ऑप्शंस को जोड़ करके आप इसका अनुवाद निकालना है। जैसे यूअर का होता है तुम्हारा, ठीक है। हाउस को बोलते हैं अपन घर, ये देखिए हो गया। इज़ बिग मतलब बड़ा है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही। आपका जो सवाल का जो जवाब है बिल्कुल सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोल दिया है माई हाउस इज़ बिग। अब यदि मान लीजिए आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि हम इसको कैसे अनुवाद करें, अब सिंपली आप जानते हैं माय को हम बोलते हैं मेरा, ठीक है। हाउस को बोलते हैं हम घर। अब मान लीजिए इज़ बिग करके आ गए, अब इसको आप जानते हैं है ऐसा लिख दिए और बिग मतलब बड़ा ऐसा लिख दिए, ठीक है। और हम चेक करते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि आपको उत्तर गलत बताएगा और जो सही अनुवाद है उसका मेरा घर बड़ा है, ये इसका सही अनुवाद होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ऐप समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे और रोज़ थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करेंगे। इससे आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पर अंग्रेजी में कुछ समझना जो है वो चालू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।